नमस्कार मेरे किसान मित्रों, स्वागत है आप सभी का विश्वास फार्म के यूट्यूब चैनल पे। और ये मक्का का खेत आप देख सकते हैं, लग चुका है हमारा पूरा खेत। लेकिन यहाँ पे साइड साइड से जो है चूहों ने बहुत सारे दानों को चर लिया है। तो आज हम बात करेंगे चूहे मारने की तकनीक के बारे में, टमाटर से मारेंगे चूहे। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पे दाना था मक्के का, इसको चूहा ने जो है खा लिया है। ये पूरा लाइन का है, दाना पूरा कर निकाल के खा लिया है। और जैसे इसमें अंकुरण भी होगा तो भी जो है इसको चूहों से बचाया नहीं जा सकेगा। तो इसमें इसका उपाय क्या है? एक तो उपाय ये है कि आप पहले से जब ये मक्का लगता है तो हम लोग उसका नर्सरी बना लेते हैं अलग से, कुछ बीजों का अलग से एक जगह लगा देते हैं। तो पौधा बड़ा होता है तो फिर इस सब जगह पे लाके लगा देते हैं जहाँ पे ये चूहे ने नुकसान किया हुआ है। यहाँ पे भी देखिए ये सब चूहा को, चूहे ने यहाँ पे दाना को बर्बाद किया है। जब मक्का होता है तब भी वो मक्का को भी नुकसान करता है। ये जो ये साइड देख रहे हैं, ये साइड का पूरा और ये साइड का पूरा 5-5 फीट एरिया में जो है चूहे का ज़्यादा प्रकोप रहता है। अब हम बात करेंगे किससे निपटना कैसे है, कैसे चूहे से हम बचेंगे। यहाँ पे देखो बिल यहाँ पे दिख रहा है, यहीं से निकलते हैं चूहे। पूरे साइड में बिल बना हुआ है, तो जहाँ जहाँ पे बिल है वहाँ पे हम टमाटर डालेंगे। ये सब बिल के पास टमाटर डालेंगे और टमाटर में एक दवाई भी मिक्स करेंगे हम लोग, क्योंकि ये बहुत नुकसान कर चुका है। ये दोस्तों किसानों के लिए चूहा बहुत बड़ा समस्या है। आप घर में भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो इस विधि को आप घर में भी अपना सकते हैं और खेतों में भी चूहा को मारने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। ये देख सकते हैं हमारे पास ये टमाटर है, चूहों को टमाटर बहुत पसंद है। और ये चूहे मारने की ये वाली दवाई है, ये 20 रुपये का आता है, वो मार्केट से मिल जाएगा। या फिर कोई भी दवाई जो आपको चूहे मारने के लिए मार्केट से मिलता है उसको टमाटर के साथ आपको देना होगा। और टमाटर के साथ कैसे देना होगा मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है जिंक फॉस्फेट जो है जहर है, और इसको आटे में मिलाकर गोलियाँ बनाकर आप इसमें जो है दे सकते हैं बोल के। लेकिन आटे की गोली जो है चूहा नहीं खाता है, इसलिए हम इसका ये टमाटर में डालते हैं तो टमाटर को बहुत ही चूहा पसंद करता है, उसको खा लेता है। तो इसको मैं अभी दिखाता हूँ कैसे इसको बनाना है चूहे मारने के लिए। तो पहले तो इसमें से एक टमाटर ले लेते हैं और टमाटर का हम लोग टुकड़ा कर लेते हैं। चार से छः टुकड़ा कर सकते हैं इस तरह से। यह टमाटर का टुकड़ा हो गया है और छोटा कर देते हैं। अब जो ये दवाई है इसको हम लोग, इसमें आधा बचा है, आधा तो एक बार इस्तेमाल हो चुका है लेकिन जो बचा है मैं इसको आगे बता रहा हूँ आप लोग को। ये जो पाउडर है अपने पास, इसको जो है हम इसमें ऐसे डाल देते हैं। डालने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तभी टमाटर के साथ में। अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। एक टमाटर और ले लेते हैं क्योंकि पूरे खेत में जहाँ जहाँ पे भी चूहे का बिल दिखेगा, हमको ताज़ा बिल दिखेगा उस जगह पे हम इसको डालने वाले हैं। घर में भी चूहे मारने के लिए आप इसका इस तरीके से इस्तेमाल करिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। सारे चूहे गायब हो जाएंगे आपके खेत से। अब इसको जो है हम लोग देखते हैं जहाँ जहाँ पे यहाँ से चूहा निकलता है, यहाँ पता चल रहा है
तो एक टमाटर का टुकड़ा हम यहाँ पे डाल देते हैं इसको। दोस्तों यह प्रक्रिया जो है शाम को ही करना रहेगा, क्योंकि अभी रात को निकलेंगे सारे चूहे। सुबह करने से जो है गिलहरी आके खा सकती है। ये भी टमाटर एक गिरा देते हैं, खाएंगे खा के मरेंगे बाहर जाके। ये देखिए बिल पूरा भर चुका है इधर ही। बिल है कि का बताएं, ये मक्का तो नहीं बचेगा अगर चूहों का इलाज हम लोगों ने नहीं किया तो।